सबसे पहले आपको बता देते हैं, आम आदमी पर आज से और ज्यादा महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। आज से कई चीजें महंगी हो गई हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की आज से शुरुआत हो रही है, लिहाजा रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों की कीमतें आज से बढ़ गई हैं। आपको बता देते हैं कि क्या क्या महंगा हो गया है। आज से कार टू व्हीलर महंगा हो गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर भी महंगा हो गया है। साथ ही बीमा प्रीमियम की देय राशि भी आज से बढ़ गई है। इसके अलावा शराब पीने वालों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। देसी या इंपोर्टेड शराब आज से महंगी हो गई है। साथ ही स्टील और एक्सप्रेस वे पर सफर करना भी महंगा हो गया है। तो इन आठ तस्वीरों से समझिए किस चीज पर पड़ी है महंगाई की मार, अब से किन चीजों के बढ़ गए हैं दाम। कार टू व्हीलर महंगे, टीवी फ्रिज महंगे, बीमा प्रीमियम मतलब जो ईएमआई आप देते हैं बीमे की, उसकी राशि भी बढ़ गई है। स्टील महंगा हो गया है, मोबाइल फोन की कीमत बढ़ गई है, एसी कूलर सब महंगा, शराब वो भी महंगी पड़ेगी अब। इसके अलावा एक्सप्रेसवे का सफर भी अब महंगा होगा। तो नए फाइनेंशियल ईयर में आज पहला दिन और आज से किन चीजों की कीमत में बढ़ोतरी होने जा रही है वो हम आपको तस्वीरों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। जरूरत की कई चीजें आज से महंगी हो रही हैं। मोबाइल, कार, बाइक, हवाई सफर, स्टील, शराब, एसी, कूलर, एक्सप्रेसवे पर सफर, सब महंगा। मतलब आज से आम आदमी पर महंगाई का एक नया बोझ पड़ने जा रहा है। तो गर्मी अभी से सताने लगी है लोगों को और एसी कूलर की तरफ लोग अभी से जाने लगे हैं, और अब महंगा अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने होंगे, जेब थोड़ी सी ज्यादा खाली करनी होगी। शराब पीने वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं। पैन से आधार लिंक करने की तारीख केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दी है, और इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पैन से आधार लिंक करने की ऑनलाइन तारीख आज तक के लिए तय की गई थी, हालांकि लोगों ने वेबसाइट क्रैश होने की शिकायत की और इस बीच में आखिरी तारीख को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो एक राहत भरी खबर, क्योंकि जो डेडलाइन थी वो खत्म हो रही थी और ऐसे में 1,000 का जुर्माना था, लेकिन अब समस्याओं को देखते हुए, वेबसाइट से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हुए, कोविड के काल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि 3 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, सीएम योगी का आज केरल में चुनावी दौरा है। जिस तरह से राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी सभी जगह जा रहे हैं। कल तमिलनाडु और आज केरल में होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ में गरजेंगे आज सीएम योगी। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 3 रैलियों में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद देर रात लखनऊ वापस लौट आएंगे। तो आज केरल में 2 अहम जनसभा है सीएम योगी की, और खास बात यह कि कम्युनिस्टों का जो गढ़ कहा जाता है वहां पर आज हुंकार भरेंगे। इसके अलावा 3 और रैलियों में शामिल होंगे और देर रात लखनऊ वापस लौट आएंगे। अब खबर लखनऊ से। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज, और दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर बैठक में मोहर लग सकती है। सुबह 11 बजे ये बीजेपी की अहम बैठक शुरू होगी। तो लखनऊ से खबर, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बीजेपी आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है जिसमें सेकंड फेज और थर्ड फेज, दूसरे और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक का हिस्सा होंगे, बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, सुनील बंसल, पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक, प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, वायुसेना की ताकत में इजाफा हो गया है। राफेल की एक और खेप भारत पहुंच गई है। 4th जत्था राफेल विमान का भारत आ पहुंचा है। फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत आ गए हैं। राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। 3 राफेल का दूसरा जत्था 3 नवंबर को भारत आया था, जबकि 27 जनवरी को 3 और राफेल विमान वायुसेना को मिले थे। भारत को अगले कुछ महीनों में फ्रांस से और राफेल विमान मिलने वाले हैं। तो राफेल विमानों का 4th जत्था बीती रात भारत की जमीन पर पहुंच चुका है। फ्रांस से उड़ा ये राफेल विमानों का 3 विमानों का काफिला भारत तक पहुंचा, और बीच में यूएई में आसमान में ही फ्यूल रिफिल किया राफेल ने, और उसके बाद उड़ान सीधी लैंड हुई भारत की जमीन पर। प्रतीक यादव के साले पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, ये एक बड़ी खबर। मुलायम सिंह के छोटे बेटे के साले
प्रतीक यादव हैं और उन्हीं पर ये आरोप लगे हैं। आय से अधिक संपत्ति का आरोप, एक दर्जन से ज्यादा फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ट्रांजैक्शन का उन पर आरोप है। अमन सिंह बिष्ट पर सगे संबंधियों के साथ मिलकर कंपनी बनाने का आरोप है। सभी कंपनी गोमती नगर के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करवाने वाले अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सीबीआई निदेशक को खत लिखा है, पत्र लिखा। और अब बड़ी खबर प्रयागराज से। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का नया कानूनी पैंतरा देखने को मिला। 25 दिन से निरस्त जमानत के केस में उन्होंने जमानत कराई। जमानत की शर्त पूरी होते ही जेल से रिहा हो गया धनंजय सिंह। 11 मार्च को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ शिफ्ट किया गया था और रिहाई से लखनऊ पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपियों में से एक है अजीत सिंह हत्याकांड मामले में 25,000 का इनामी धनंजय सिंह कैसे जेल से जमानत पर रिहा हो गया, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है कि जिस अपराधी को जगह जगह ढूंढा जा रहा था, पहले दबिश दी जा रही थी, हाथ नहीं आया, इसने सरेंडर किया और उसके बाद इसने जमानत ले ली और पुलिस को पता तक नहीं लगा, पुलिस को भनक तक नहीं लगी, इतना गंभीर मुकदमे इस पर है, इसको ढूंढा जा रहा था। हालांकि आज एमपीएमएल कोर्ट में मामले में सुनवाई भी है, 25,000 के नाम ही है, लेकिन अहम सवाल पुलिस पर ही उठ रहे हैं। अजीत हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक दूसरे मामले में सरेंडर किया और उस मामले में जमानत ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। वाराणसी कोतवाली थाना इलाके में दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दर्जन भर लोग घायल हो गए। साथ ही दारा नगर पार्षद मनोज यादव को भी चोटें आई हैं। पुलिस जांच में जुटी है। जौनपुर में हाईटेंशन तार के चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लगे और देखे देखते कई बीघा गेहूं की फसल जलकर आग हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मिर्जापुर में कुछ दोस्त पिकनिक मना रहे थे, इस दौरान एक युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। मृतक की उम्र महज 24 साल थी। गोरखपुर चिड़ियाघर के बाहर पार्षद प्रतिनिधि ने रेंजर और गार्ड के ऊपर उलझने का उनपर आरोप, और इस बीच पार्षद प्रतिनिधि के पक्ष में जुटे सैकड़ों लोगों की भीड़ से घबराए गार्ड की बंदूक गिर गई और गोली चल गई। गार्ड को दाहिने पैर में पंजे में गोली लगी। आजमगढ़ में प्रधानी पद के उम्मीदवार के 22 साल के बेटे को बदमाशों ने चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि घटना में 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोनभद्र में एक होटल के पीछे प्लास्टिक के गोदाम में आग लगे और हिंडालको की दो गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिशें की। पिपरी थाना इलाके के रेनुकोट का यह मामला है। गोंडा में जिला महिला अस्पताल के सामने एक शख्स ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। महिला अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची, स्थानीय लोग बीच बचाव कराने के लिए पहुंचे। बलरामपुर में 5 साल की एक मासूम बच्चे की हत्या किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरी घटना पुलसीपुर थाना इलाके की। चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हम खबर का। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 1230 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो लखनऊ की बात करें, यूनिवर्सिटी के 7 शिक्षकों में कोरोना की पुष्टि के बाद वहां हड़कंप मचा हुआ है। संस्कृत, फिजिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश और जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को कोरोना हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई शिक्षक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी है। पिछले 24 घंटे में केवल 534 मरीज ही डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 के करीब जा चुकी है। बीते 24 घंटे में कहां पे कितने केस आए वो भी जान लीजिए। गोरखपुर से 49 केस सामने आए हैं। मुरादाबाद में 19 नए केस मिले हैं संक्रमण के, तो बरेली से 28 केस सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर यूपी का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस किन किन जिलों से निकले? गोरखपुर, मुरादाबाद और बरेली। एक और बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। यूपी महामारी अधिनियम की अवधि बढ़ा दी गई है। ये ड्यूरेशन इसकी बढ़ाई गई है। केंद्रीय महामारी अधिनियम की अवधि भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है और दोनों ही अधिनियम को 30 जून तक बढ़ाया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है।
जब कोविड का संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ तो यह अधिनियम लगाया गया और अब इसको बढ़ा दिया गया है, 30 जून तक इसे बढ़ाया गया है। बड़ी खबर अब लखनऊ से। बिना परीक्षा के पास होंगे 8वीं तक के बच्चे, मतलब 8 तक के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा अगली क्लासेस में। निजी स्कूलों ने पास करने का फैसला लिया है, पिछली परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर ही वो पास माने जाएंगे। कई स्कूल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अपना नया सेशन शुरू करेंगे। कोरोना के चलते कई निजी स्कूल प्रशासन ने यह फैसला लिया है, जो 1st to 8 तक के बच्चे हैं उनको अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। पिछले सेशन में जो मार्क्स आए थे उन्हीं के ही आधार पर उनको नेक्स्ट क्लासेस में भेज दिया जाएगा। कई प्राइवेट स्कूल्स अप्रैल के लास्ट वीक से अपना सेशन शुरू करेंगे। और आज से शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन का चौथा चरण, ये 4th फेज शुरू होगा और इसमें 45 साल से ज्यादा के लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। तो जो सामान्य लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं 45 साल से ज्यादा की उम्र के। यूपी की बात करें तो करीब 4 करोड़ 30 लाख लोग हैं जो 45 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। 4 करोड़ 30 लाख लोग अब इन्हें वैक्सीन लगेगी और वैक्सीनेशन के लिए यूपी में 5,500 केंद्र बनाए गए हैं। 5,500 केंद्र जहां पर 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी और आज 5 लाख से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन की संभावना है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, 5,500 केंद्र और 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी, क्या तैयारियां हैं इसके लिए? राजीव, देखिए प्रदेश में जब तीसरा चरण शुरू हुआ तो 45 साल से 59 साल तक के उन लोगों को भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो कोमॉर्बिड कहलाते हैं। लेकिन आज 1 अप्रैल चौथा चरण है जिसमें 45 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, वो भी वैक्सीनेशन करा सकता है। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग इस एज के ऊपर आते हैं। इनमें से 2 करोड़ के आसपास लोगों की संख्या ऐसी है जो पहले से जो कोमॉर्बिड वाले पेशेंट थे 45 साल से ऊपर वाले, उसमें आ रहे थे। लेकिन लगभग 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश में 5,500 सेंटर्स जो है बनाए गए हैं, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मिलाकर। इनमें जो सरकारी संस्थान है उनमें कई ऐसे हैं जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन वैक्सीनेशन का काम होगा, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। जबकि कई ऐसे अस्पताल भी हैं, सरकारी और निजी जितने भी हैं, इन सब पर अगर बात की जाए तो हफ्ते में 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक वैक्सीनेशन होगा। दिन ज्यादा रखने, केंद्र ज्यादा बनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि ज्यादा भीड़ ना हो कहीं पर, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से वहां पर जा सके, जिस दिन उनको सुविधा हो उसके हिसाब से जा सके। इसके अलावा निजी और सरकारी संस्थानों में इस बात का भी ध्यान दिया है, जो रूरल एरिया के पास CSC PSC है वहां पर भी सेंटर्स बनाए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार ये मुख्यमंत्री के भी निर्देश है कि सुविधाजनक होना चाहिए वैक्सीनेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग तभी आएंगे जब उनको करीब में वैक्सीनेशन की व्यवस्था मिलेगी, इसीलिए केंद्रों की संख्या को भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बढ़ाया गया है। और आज से ये चरण शुरू होगा, जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में वैक्सीनेशन जो है कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का किया जा सकता है। बिल्कुल, और देश भर में आज से चौथा चरण शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन का। और यदि कल तक के डेटा की बात करें तो पूरे देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। यूपी में भी इस टारगेट को बढ़ाना है, 5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य अब रखा गया है। बहुत शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, अवध क्षेत्र की खबरें आपको दिखाते हैं सुपर फास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर नगर में मास्क चेकिंग के लिए खुद डीएम और एसपी सड़क पर उतरे। इस दौरान बिना मास्क के गाड़ी चला रहे डायल 112 के ड्राइवर का चालान किया गया। अधिकारियों ने लोगों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की। बाराबंकी में हैवानियत की सारी हदें पार, 10 साल के मासूम का शव पेड़ से लटकाया गया। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही, मौके पर डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया। सीतापुर में 2 अलग अलग गांव में दर्जनों बीघा गेहूं और अन्य फसलें जलकर खाक हो गई। खेत के ऊपर लगे बिजली लाइन का तार टूटकर गिरने से यह हादसा हो गया। तेज हवाओं के कारण आग एक से दूसरे खेत में फैलती चली गई। अमेठी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कमरौली पुलिस ने यह कार्रवाई की। सुल्तानपुर में डीएम कार्यालय के सामने मां बेटी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दोनों जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे लेकिन डीएम से मुलाकात नहीं हुई। स्थिति को नियंत्रण करने में महिला थानाध्यक्ष को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
फतेहपुर में कुछ लड़कियां नदी में नहाने के लिए गई थी और डूबने लगी। इस घटना में चार लड़कियों को बचा लिया गया जबकि पांच की तलाश जारी है। पांच लड़कियों की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कौशाम्बी में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले तीन सगे भाई को गिरफ्तार किया। तीनों भाई फर्जी पर्ल व्हाइट कंपनी बनाकर 10 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। 3 साल में रकम दोगुना करने का लालच देकर दोनों को चूना लगाते थे। प्रतापगढ़ में शराब पीने की वजह से दो सगे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही। मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में एसओ को सस्पेंड कर दिया है। और अब बारी है आपको बुंदेलखंड के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाने की। चलिए शुरू करते हैं। महोबा में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई जिससे ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमीरपुर में गेहूं की फसल में हाई टेंशन वायर्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना में कई बीघा फसल चलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जालन में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर गिर जाने की वजह से आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पास में लगे हुए हल्के ठेले पर रखा हुआ प्लास्टिक का सामान जल गया। ललितपुर में होटल में संदिग्ध हालत में बीटेक के छात्र का शव मिला है। उसके पास से सुसाइड नोट और सल्फास की शीशी भी बरामद हुई है।